और अमल, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अपना ध्यान रखना। आप लोग यहाँ कब आएंगे? आप लोगों के बगैर वक्त ही नहीं कटता, जिंदगी जिंदगी ही नहीं लग रही है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जरूर आऊंगी और मेरा राफे जरूर स्कूल जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो मैं फोन रख रही हूँ, बहुत रात हो गई, अब सोना है। जी मामा, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो सीधे होके सोचो, ठीक से सोचो। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। नायला, तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है कि बस कुछ अरसे और, कुछ अरसे और। भैया मैम, सोनू और उसके बच्चों को कुछ अरसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सोचो, अगर उसने जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लिया तो तब क्या करोगी तुम? हाँ, अभी तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन अनमार भाई जैसे लोग हैं ना भड़काने के लिए। और उसके बाद सोनिया ने गुस्से या तैश में आके अपने हिस्से की डिमांड कर दी तो फिर क्या करोगी? मेरा तो बना बनाया गेम जो है बिगड़ जाएगा ना, और उसकी जिम्मेदार होगी तुम। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप अपनी बहन से इतना डरते क्यों। इस वक्त उसकी हालत एक जख्मी शेरनी जैसी है, जो सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की फिक्र में। वो हमसे अपना हक मांगे नामुमकिन, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जब ये जख्मी शेरनी अपना बदला लेने पर आती है ना, तो जंगल के सारे दरिंदों को रोन डालती है। आ रहा है समझ में? इसलिए जैसे मैंने गेम फिट किया है ना, उसको वैसे ही चलने दो, ठीक? आप भूल रहे हैं शायद, आपने अनवार भाई से कुछ महीनों का वादा किया था कि फिर आप अमल को यहाँ ले आएंगे और तीनों को ले जाके सिराज भाई के शेल्टर होम में शिफ्ट कर देंगे। सुहेल भाई की बीवी मिली थी, पूरे खानदान में ये अफवाह फैली हुई है। अरे जाने दो उसे, सीरियस कौन लेता है उसे? और वैसे भी सोनू का कांटेक्ट तो किसी के पास नहीं है ना, और जब वक्त आएगा तो मालूम हो जाएगा सबको। हाँ, कह तो आप ठीक रहे। तुम सोनिया को इस तरह हैंडल करो कि उससे अपना काम भी करवाओ और उसे ये एहसास भी ना हो कि हम उससे तंग हैं। और वैसे भी तंग होने की जरूरत क्या है, बस काम करवाओ अपना। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखो। हेलो रेहान। हाय अमर, कैसी हो? राफे और आंटी कैसे? सब ठीक है, बस अपने अपने दायरे में अपने नसीब से लड़ रहा हूँ। समझ में नहीं आ रही कि अंधेरी रात कब कटेगी, कटेगी भी या नहीं। ये रात खत्म हो जाएगी जब सूरज अपनी रोशनी फैलाएगा, तो ये रात की स्याही छट जाएगी। तुम्हें भी सूरज की तरह हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। लेकिन मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं है रेहान। मंजिल का तय हम नहीं करते, हमारी किस्मत डिसाइड करती है कि हमारी मंजिल क्या है। और तुम्हारी मंजिल राफे है, आंटी है, तुम उन पर फोकस करो, अपने फ्यूचर पर फोकस करो। हाँ, बस आजकल तो राफे के स्कूल को लेकर बिजी है। अच्छा, राफे स्कूल जा रहा है? गुड है यार, मेरी तरफ से हाय कहना उसे।
ओके डन, मैं उससे बताऊंगी कि तुमने उसके लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स, तुम अपने बारे में भी सोचा करो कि तुमने आगे क्या करना है। हाँ, मामा से बात करूंगी। ओके, मैं कॉल रखता हूँ, थैंक्स। थैंक्स किस लिए? क्योंकि तुम्हें इतना बोर किया और तुमने मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए। रेहान, कैसी बातें कर रहे हो? इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मुझे पैसे भी दिए और मैं हूँ कि प्लीज दोबारा पैसों का जिक्र मत करना। ओके, अब नहीं करती। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। तुम ही अपना ख्याल रखना, बाय। कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो मुझे लगा तुम जाग रही हो अभी तक। आपसे मतलब? मेरा इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया था। क्या मतलब? मेरे मोबाइल का इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया था तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तुमसे शेयर कर लूं, जरा अपना हॉटस्पॉट ऑन करके मुझे पासवर्ड तो बताना, रात अच्छी गुजर जाएगी। मेरा पैकेज 2 दिन से खत्म है। अरे तो अमन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 2 दिन से तुम्हारा पैकेज खत्म है। वैसे छोटे मोटे कामों के लिए ना ये और भाभी को मत कहा करो, मुझे बता दिया करो। बल्कि एक काम करता हूँ मैं, हर हफ्ते तुम्हारा पैकेज खुद ही करवा दिया करूंगा। तुम मुझे अपना नंबर दो, नंबर दो। मुझे पैकेज की जरूरत नहीं है, आप अपना पैकेज करा लीजिए। क्यों जरूरत नहीं है भाई, तुम अब इस खानदान का फर्द हो। जितना हमारा हक है इस घर पे उतना तुम्हारा भी है। ठीक है, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। शुक्रिया आपका। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे कह सकती हो। जी। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ।